वेल हेलो एवरीवन। नाउ आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी कुछ हार्श रियलिटीज़ जिनके ऊपर तो तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ ये रियलिटीज़ है। सो यहाँ आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं ऐसी कुछ सात सच्चाइयों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ भारत के बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंडो के बारे में, जहाँ पर आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेकर्स, पूल जैसे 70 से ज़्यादा गेम्स खेलकर जीत सकते हो 50 लाख तक के कैश प्राइजेस। और तुम फ्री खेलो या फिर पेड, ये तुम पर करता है। और यही नहीं, मैं तो अब फैंटेसी टीम भी यहीं पर बना रहा हूँ। और डरना मत, तुम्हें यहाँ अपने जैसे ही रियल प्लेयर्स मिलेंगे, तो जीतना भी ईजी है एकदम। और अपना सारा कैश प्राइज इजीली विड्रॉल कर सकते हो तुम पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के थ्रू। वैसे यहाँ विंडो स्टोर भी है जहाँ तुम्हें मिलेंगे फ्री फायर डायमंड इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर। और तुम बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज एक्सेट्रा के डिस्काउंट कूपन भी खरीद सकते हो। सो पेज से जीतो भी और पैसे बचाओ भी। बाकी और क्या चाहिए तुम्हें, केटीएम, रॉयल इनफील्ड, आईफोन 13, भाई वो भी मिल रहा है इधर रो स्पिनर घुमाने पर। तो जाओ जाकर डाउनलोड करो, तुम्हारे के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी 50 रुपीज़ बोनस के साथ। नंबर वन, फ्रैंकेस्टाइक इज सेकंड मोस्ट स्मार्टेस्ट एलियन। ना हो इसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा कि जो फ्रैंकेस्टाइक है वो भी इनका सेकंड मोस्ट स्मार्टेस्ट एलियन है। मतलब यार इतने सारे एलियन अब तक हमें दिखाए गए हैं, उसमें यार किसने सोचा था कि जो फ्रैंकेस्टाइक है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट होगा। मतलब यार इसका लुक देखो, बिल्कुल किसी डम एलियन की तरह लगता है। लेकिन रियलिटी तो यही है कि जो फ्रैंकेस्टाइक है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। एंड अगर तुम्हें डॉक्टर विक्टर याद होगा तो यार तुम इस बात पर तो यकीन कर ही जाओगे कि फ्रैंकेस्टाइक जो है वो स्मार्ट क्यों है, क्योंकि जो डॉक्टर विक्टर था वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। इसी तरीके से जो फ्रैंकेस्टाइक की स्पीशीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। लेकिन यार क्रिएटर्स ने इस स्पीशीज़ को थोड़ा अलग तरीके से दिखाना चाहिए था। मतलब जो फ्रैंकेस्टाइक है उसे थोड़ा अलग तरीके से दिखाना चाहिए था। अगर उसे स्मार्ट एलियन ही कह रहे हो तो यार थोड़ा स्मार्ट ही दिखाना चाहिए था, जिससे कि फैंस उसे स्मार्ट समझे। जिस तरीके से ग्रे मैटर या फिर ज्यूरी को अपीयर किया गया है एक स्मार्ट एलियन की तरह, उसी तरीके से फ्रैंकेस्टाइक को भी अपीयर करते तो शायद से वास थोड़ा और ज़्यादा पॉपुलर हो सकता था। एंड एक फन फैक्ट ये है कि जो फ्रैंकेस्टाइक है वो बेन का एक ऐसा एलियन है जिसने किन के ऑमलेट्स बनाने में बेन की हेल्प की थी। यह फ्रैंकेस्टाइक इतना ज़्यादा स्मार्ट है। नंबर टू, नाउ ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी कि वेंजर्स ऑफ द विलगैक्स एपिसोड कितना ज़्यादा स्पेशल था, वो कितना ज़्यादा बेहतरीन एपिसोड था। उसमें हमने वेन की एंड विलगैक्स की काफ़ी बड़ी फाइट देखी थी, जिस फाइट में एंडिंग में डायमंड अपनी एंट्री मारता है एंड जो डायमंड है उसके एंड विलगैक्स की एक फ़ाइट होती है जिसमें जो डायमंड है वो जीत जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये एक फेक विन थी, क्योंकि डायमंड ने यहाँ पर जितनी भी पावर्स का यूज़ किया था वो एक्चुअली में उससे ऑमनिडक्स के ग्लिच के चलते मिली थी। नाउ तुम खुद ये सोचो कि जो डायमंड है वो यहाँ पर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना ज़्यादा उसे दिखाया गया था। मतलब डायमंड हेड उतना ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं। डायमंड हेड को हम लोग क्यों जानते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग डायमंड हेड को इसीलिए ही जानते हैं क्योंकि उसने विलगैक्स को हराया है। वो एक स्पेशल एलियन इसीलिए ही है क्योंकि उसने विलगैक्स को हराया है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ वे बिग एंड डायमंड हेड ने ही विलगैक्स को प्राइम टाइमलाइन में हराया है, बाकी और किसी एलियन ने नहीं हराया है। तो इसीलिए वो एक स्पेशल एलियन है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जो डायमंड हेड की विक्ट्री थी ये एक फेक विक्ट्री थी। नाउ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलियंस है जिन्हें कि ऑमनिडक्स के ग्लिच के चलते पावर मिली थी। लाइक वे बिग को तेज़ दौड़ने की पावर मिली थी, इसी तरीके से एक्वेको को सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट करने की पावर मिली थी। एंड ऐसी बहुत सारी पावर्स और भी कई सारे एलियंस को मिली थी। नंबर थ्री, नाउ ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी कि जो अल्बिडो है वो बेन के बॉडी में फंसा हुआ है। लेकिन यार ये भी एक रियलिटी है कि जो अल्बिडो है वो बिना किसी गलती के बेन के बॉडी में फंसा हुआ है एंड इसके जो जिम्मेदार है वो है आजमत एंड बेन। देखो आजमत एंड बेन के ही चलते जो अल्बिडो है वो बेन के बॉडी में फंस गया है। अब अल्बिडो की गलती ही क्या थी तुम मुझे बता दो, क्योंकि यार अल्बिडो ने तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑमनिडक्स ही बनाई थी। एंड यार ऐसा भी नहीं है कि जो अल्बिडो है वो कोई ऑमनिडक्स नहीं बना सकता है। मतलब यार ऐसा भी थोड़ी ना है कि सिर्फ और सिर्फ आजमत ही ऑमनिडक्स बना सकता है। अगर अल्बिडो ने ऑमनिडक्स बना ली तो यार उसमें गलत ही क्या था, उसने उसका गलत यूज़ थोड़ी ना किया था। वो तो बल्कि बेन के बॉडी में फंस गया था, इसलिए उसके बेन के ऑमनिडक्स चाहिए थी ताकि वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन यार आजमत ने उसे सज़ा दे दी कि वो बेन के बॉडी में फंस कर रह जाए।
नाउ तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी और के बॉडी में फंसते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। एक्चुअली में जो अल्बिडो है वो विलन इसीलिए बना क्योंकि आजमत एंड बेन ने उसकी हेल्प ही नहीं की नॉर्मल होने में। अगर वो उसकी हेल्प करते तो अल्बिडो जो है वो कभी विलन ही नहीं बनता एंड जो अल्बिडो है वो अच्छा ही रहता। एक तरीके से रियलिटी है कि अल्बिडो के विलन बनने के पीछे बेन एंड आजमत का हाथ है। नंबर 4, नाउ तुम्हें तो ये चीज़ पता ही होगी कि बेन के पास ऐसे कई सारे एलियंस है जो कि एलियन एक्स को हरा सकते हैं। ऐसे कुल 5 एलियंस है जो कि एलियन एक्स को हरा सकते हैं, जो कि है अपचक, बिस्किट डस्क, टोएपी, क्लॉक वर्क एंड वैम्पायर। देखो इन सब के पास अलग अलग पावर है जिसकी हेल्प से ये एलियनिक्स को हरा सकते हैं। नाउ इस चीज़ पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एलियनिक्स जैसे पावरफुल एलियन को कोई हरा भी सकता है, क्योंकि यार एलियनिक्स ने पूरे के पूरे एनिलाक के ब्लास्ट को अपने ऊपर सहन किया था जिसके बाद भी एलियनिक्स को कुछ भी नहीं हुआ एंड वही एलियनिक्स को ग्राउंड मर्ट यानी कि अपचक की स्पीशीज जो है वो खा सकती है। वैम्पायर की जो स्पीशीज है वो उसे मार सकती है। टोएपी की जो स्पीशीज है वो चेहरा दिखा कर यहाँ पर बेन को डरा सकती है जिसके चलते एलियनिक्स हार जाएगा। जो बिस्किट डस्क है वो बेन को सला सकते हैं जिसके चलते एलियनिक्स भी सो जाएगा एंड वो हार जाएगा। और जो क्लॉकवर्क है वो एलियनिक्स को अपनी टाइम पावर की हेल्प से हरा सकता है। अब यार इसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता है, मतलब यार कई सारे लोग जब भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसे एलियंस हैं जो कि एलियंस को हरा सकते हैं तब कई सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं एंड कई सारे लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि एलियंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नाउ ये एक रियलिटी है कि एलियंस को ये सारे के सारे एलियंस हरा सकते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक बेन के पास एलियंस का कंट्रोल ना हो। नंबर 5, नाउ कई सारे लोग ये सोचते हैं कि जो ऑमनीटिक्स है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है, लेकिन यार एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऑमनीटिक्स से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स बेन 10 यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते होंगे एंड इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि ऑमनीटिक्स से ज़्यादा पावरफुल तो क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि यार ऑमनीटिक्स का जो टेक लेवल है वो है 20 एंड बेंटिन के सीरीज़ में ही हमें ऐसे 2 वेपन्स दिखाए गए हैं जिसका जो टेक लेवल है वो ऑमनीटिक्स से ज़्यादा था, क्योंकि यार ऐसे 2 वेपन्स थे जिसका जो टेक लेवल है वो 20 प्लस का था जो कि थे बिजी बॉक्स एंड हमें एक देखने मिला था एनिलाक। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे वेपन्स हो सकते हैं जिसका जो टेक लेवल है वो ऑमनीटिक्स से ज़्यादा होगा एंड जो टेक लेवल है उसी के चलते कोई भी वेपन जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता है। एंड यहीं पर अगर हम लोग देखें तो जो ऑमनीटिक्स है उसका जो टेक लेवल है वो 20 है जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन नालजियंस के जो बच्चों के खिलौने हैं वही ऑमनीटिक्स से ज़्यादा पावरफुल है। तो यार समझ ही सकते हो नालजियंस के वेपन जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। जो नालजियंस है उसके पास ऑमनीटिक्स से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स एग्जिस्ट करते होंगे। इसीलिए तुम ये मत सोचो कि जो बेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बेन से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स बेन 10 सीरीज़ में एग्जिस्ट करते होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चाहे पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। क्या तुम पृथ्वी से हो? लेकिन मैं भविष्य से आया हूँ। जरा मुस्कुराइए ना। क्या कहा? प्लीज।